युवक सभा की ओर से रावण दहन किया जाएगा। इसके पूर्व से दशहरा महोत्सव का आयोजन कस्तूरचंद पार्क में 5 अक्टूबर बुधवार को रामलीला आदि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। सोमवार को हुई पत्र परिषद आयोजित की गई थी। पिछले 70 साल से और ये 71वां साल है ये कस्तूरचंद पार्क में रावण दहन का खूबसूरत प्रोग्राम किया जाता है और इस साल भी पिछले 2 साल में कोरोना काल के कारण ये प्रोग्राम नहीं हो पाया, फिर भी हम लोगों ने अपने सनातन धर्म में छोटे छोटे पुतले बना के छोटे रावण दहन को किया दहन किया गया है, जिससे ये परंपरा जो हमारी चल रही है उसको हमने चालू रखा और इस साल 10 दिन पहले हमको ये परमिशन मिली और ये परमिशन के हिसाब से हमने पिछले 10 दिन में ही इतनी बड़ी तैयारी में जुड़ गए और हम लोग इतने बड़े इसमें कामयाब होने के लिए तैयार है और 17,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों में बैठने की व्यवस्था की है और हमको उम्मीद है कि कम से कम 70 से 80 हज़ार पब्लिक यहाँ पर उपस्थित रहेंगी, क्योंकि लोगों ने 2 साल से कोरोना काल के कारण जो घर में बैठे हैं उनको एक सुंदर आनंद मिलेगा और एक 4 प्रोग्राम रखे गए हैं, आतिशबाजी होगी बीच बीच में और उसके बाद डांडिया का प्रोग्राम है और उसके बाद एक लेजर शो किया जाता है जिसमें अलग अलग यानी उसके ऊपर रामायण के ऊपर प्रोग्राम किया जाता है और उसके बाद फिर पूजा रावण की पूजा करके और जो हमारे सम्मान्य व्यक्ति जन आने वाले हैं जैसे नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ये भी आने वाले हैं, उनका स्वागत करके उसके बाद फिर हम लोग रात को यानी सूरज ढलने के पहले रावण दहन किया जाता है जिसमें 3 पुतले बनाए जा रहे हैं, रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का।